इसमें हमारी पहली जो थ्योरम है ना वो है आयलर्स थ्योरम। इनके भी प्रूफ आप बुक से मतलब रेफर कर सकते हैं, जैसे कि मैं बुक्स बता देता हूँ आपको, आप एक्सकर्जन से कर सकते हैं फॉलो। थोड़े अच्छे प्रूफ और भी बढ़िया चाहिए तो आप बटन की बुक आती है, इसका पूरा नाम होता है जी डेविड कैपिटल एम बटन, ठीक है, इस उधर की भी बुक आप फॉलो कर सकते हैं प्रूफ्स के लिए, ठीक है। इसमें थ्योरम्स के हम बेसिकली थ्योरम्स की स्टेटमेंट्स देख रहे हैं एंड उनके कुछ एग्जांपल्स देख रहे हैं साथ में, कैसे उसको अप्लाई करना है क्वेश्चंस में। पहला है जी हमारे पास आयलर्स थ्योरम इज बेसिकली लेट ए कोमा एम बी इंटीजर सच दैट ए और एम का जो जीसीडी अगर वो बन आए देन हमारे पास ये रिजल्ट आता है ए टू दी पावर फाइव ऑफ एम। तो पहले बताया मैंने आपको आयलर्स क्वोशेंट फंक्शन है इस कॉन्ग्रेंट टू, यहाँ पे इस कॉन्ग्रेंट टू आएगा वन मोड एम के, ठीक है। उसके बाद फर्मेट्स लिटिल थ्योरम हम बाद में देखते हैं, बेसिकली इसी का ही एक पर्टिकुलर केस है ये। पहले एक एग्जांपल पे देखते हैं इसको कैसे अप्लाई करना है। हमारे पास ऐसा क्वेश्चन आ गया जी फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 2 टू द पावर 501 इज डिवाइडेड बाय 125। मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको कि हम प्रॉपर्टी से तो कर ही सकते हैं। अब हमारा काम क्या होता है, सबसे पहले हमने स्टार्ट किया टू स्क्वायर को मैंने लिख लिया, टू इज कॉन्ग्रुएंट टू टू मोड 125 आएगा, फिर टू स्क्वायर कितना आएगा फोर मोड 125। हमारा काम क्या होता है राइट साइड में किसी तरीके से वन बनाना, यहाँ पे बन नहीं रहा था मैं बना के देखा तो यहाँ पे जाके बनाइए, जहां पे लेफ्ट साइड में आया टू टू द पावर 100 इज कॉन्ग्रुएंट टू वन मोड 125। अब मैंने स्टार्ट ऐसे किया टू टू द पावर 7 निकाला वो 128 आना था, 128 को आगे डिवाइड किया तो 3 आ गया रिमाइंडर कॉन्ग्रुएंट टू 3 मोड 125 आया। 2 टू द पावर 14 निकाला इसका स्क्वायर कर दिया तो ये 9 आ गया, फिर इसका स्क्वायर किया तो 28 पे आया 81। तो ऐसे ऐसे करके मेरे पास फिर मैंने इन चारों को मल्टीप्लाई किया जिन पे एरोज लगाए हैं, यहाँ पे 56 28 14 एंड 2 इनको ऐड करके पावर्स को 2 टू द पावर 100 बनना था जिसका आएगा 1 मोड 125 आंसर। तो 2 टू द पावर 100 पे हमारे पास 1 बना जाके। अब इसी के अलावा अगर हम इसको ऐसे ना करते हुए इसी थ्योरम का यूज करें, इसको हटा देते हैं, तो जो हमने ये इतना ज्यादा कैलकुलेशन वाला पार्ट किया था इसकी बजाय एक लाइन में आंसर आ जाएगा। देखिए जी कैसे ए इसमें कितना है 2 एंड एम कितना है इसमें 125, 2,125 का जीसीडी तो 1 ही होता है, तो इसमें आयलर्स थ्योरम हम अप्लाई कर सकते हैं। आयलर्स थ्योरम क्या कहती है, 2 टू द पावर 5 ऑफ 125 इज इक्वल्स टू 1 मोड 125। तो ये वहां तक ले जाएगी सीधा ही, हमारे पास वो पावर आ जाएगी जिस पे आंसर हमारा 1 आना है कॉन्ग्रुएंसीज में। 5 ऑफ 125 निकाल लीजिए वो कितना होगा, पहले इसको प्राइम फैक्टराइज किया, प्राइम फैक्टर तो एक ही है 5 क्यूब, इसका आंसर आता है पी टू दी पावर के माइनस पी टू दी पावर के माइनस 1 एक पावर कम, तो ये आ जाएगा 125 माइनस 25 ये आ गया हमारे पास 100। तो इससे सीधा आ गया हमारे पास 2 टू दी पावर 100 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोड 125। अब पावर 5 कर दीजिए दोनों तरफ तो 500 हो जाएगा। ये स्टेप तो उसमें भी करना पड़ता आगे, लेकिन काम की चीज है कि हमें इतनी ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ी 2 टू द पावर 100 तक पहुंचने के लिए, सीधा एक स्टेप में आंसर आ जाएगा हमारे पास इस 1 टू द पावर 5 मोड 125। फिर दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई किया तो दिस इंप्लाइज व्हेन 2 टू द पावर 501 इज डिवाइडेड बाय 125 द रिमाइंडर इज 2। ऐसे ही क्वेश्चंस में आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट फर्मेट लिटिल थ्योरम थी हमारे पास, फर्मेट लिटिल थ्योरम इसी का एक पर्टिकुलर केस है। बेसिकली इफ ए कोमा पी बी इंटीजर सच दैट पी डज नॉट डिवाइड ए एंड पी इज बेसिकली यहाँ पे पी क्या है, पी प्राइम है। अगर पी डिवाइड नहीं करेगा ए को तो पी और ए में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा, इसका मतलब क्या होगा, इन दोनों लाइंस का मतलब होगा पी कोमा ए का जीसीडी इज 1। पी कोमा ए का जीसीडी 1 है, ए टू द पावर 5 ऑफ पी को लिख सकते हो आप 1 मोड पी। 5 ऑफ पी कितना आना था, पी माइनस 1, पीछे प्रॉपर्टीज लिखवाई थी आपको, तो ए टू द पावर पी माइनस 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोड पी। अगर किसी प्राइम से डिवाइड करना होता यहाँ पे 5 आ जाता या कोई बड़ा प्राइम आ जाता तो सीधा इस रिजल्ट को भी लगा सकते हैं। बेसिकली इसी के पर्टिकुलर केस है तो ये याद रखो, ये तो इसी में कवर हो जाना साथ में।